दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री को क्या दान करना चाहिए जिससे कि वो विधवा ना हो, क्योंकि एक सुहागिन महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। इस धरती पर एक महिला ही ये चाहती है कि वो अपने पति से पहले इस दुनिया से जाए, यानी वो सुहागन जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही चीज़ें के बारे में जिनको दान करने से ना केवल एक सुहागिन महिला के पति की आयु लंबी होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन भी उसका महिला की खुशियों से भर जाती है। तो सबसे पहले है सिंदूर दान करना। शास्त्रों में सिंदूर दान को एक प्रमुख संस्कार माना गया है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर का दान जरूर करें। ऐसा करने से जहां एक ओर पति की आयु लंबी होती है, साथ ही इस दान से दाम्पत्य जीवन की तमाम परेशानी भी दूर हो जाती है। पायल दान करना। चांदी की पायल देना भी एक शुभ और लाभकारी दान है, जिसके फलस्वरूप सुहागिन स्त्री का सुहाग दीर्घायु पाता है। चांदी का संबंध चंद्र से होता है। जिसका चंद्र ग्रह खराब हो, उसके जीवन में ये दान बहुत फलदायी होता है। दोस्तों, किसी सुहागिन महिला को नया जोड़ा जैसे कि साड़ी, लहंगा इत्यादि दान देना भी लाभकारी होता है। इस दान को करने से महिला का सुहाग लंबी आयु पाता है। यही नहीं, इस दान से पति की तरक्की भी होती है। पति की लंबी आयु के लिए हरी चूड़ी का दान जरूर करें, और ये दान अगर सावन के महीने में किया जाए तो इसका फल दुगुना लाभकारी होता है। हरा रंग माता गौरी को बहुत पसंद है, और माता गौरी के मंदिर में जाकर अगर आप हरे रंग की चूड़ियाँ दान करेंगे तो माता गौरी प्रसन्न होकर आपके सुहाग की आयु लंबी करेंगी। दोस्तों, लौंग दान करने से जहां एक ओर एक घर की निगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है, वहीं ये दान अगर एक सुहागिन महिला करे तो महिला अपनी पूरी उम्र सुहागिन जीती है। इस दान से पति के जीवन में आर्थिक तरक्की भी होती है। इन पांच चीज़ों का दान एक सुहागिन महिला के जीवन में खुशियां भर देता है। न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि महिला के दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां भर जाती है। दोस्तों, जिस तरह से कुंडली में ग्रहों की स्थिति होगी, उसी तरह से आपके कर्म भी होंगे, या फिर जिस तरह के आप काम करेंगे उसी प्रकार का फल आपको ग्रह देंगे। अब बात करते हैं सबसे सौम्य व सुख देने वाले ग्रह चंद्र की। चंद्रमा जिनकी भी कुंडली में प्रीत अवस्था में है, उन्हें जीवन में सुख की कमी रहती है। वैसे कि दृढ़ता और सुख साधनों में परेशानी आती है। ऐसे लोगों को मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे में इसकी स्थिति को शुभ व मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे कि बात चल रही है कर्मों और दान पुण्य की, तो ग्रहों की स्थिति आपके कर्मों के अनुसार बदली भी जा सकती है। यदि आप चंद्रमा मजबूत व शुभ करना चाहते हैं तो खास तौर पर बुजुर्ग महिलाएं, माता सम्मान महिलाएं अथवा विधवा स्त्रियों का खास मान सम्मान, आदर, सत्कार, सहायता और उन्हें यथाशक्ति दान देते रहें। सबसे अधिक फल विधवा और असहाय स्त्रियों को दान देने व उनकी सहायता करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, धन की अगर बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही हो तो किसी विधवा बूढ़ी स्त्री को चप्पलें या फिर सफ़ेद वस्त्र दान में दें। धन की समस्या कुछ ही दिनों में दूर भाग जाएंगी। विधवा स्त्रियों को अनार रस वाले फल व सफ़ेद मिठाई दान करने पर घर में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की अच्छी स्थिति बनी रहती है। प्रतिदिन विधवा स्त्रियों के पांव हाथ लगाने से अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ रहे हो या जल्दी नहीं बनते हो, उन्हें विधवा स्त्रियों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। विधवा स्त्रियों को साबुन व तेल भेंट करने से या दान देने से ऐसे लोगों में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होती। उनके घर में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। सबसे अधिक प्रभावशाली होता है मन का भाव। कभी भी किसी असहाय विधवा स्त्री के बुरे समय का परिहास न करें और ना ही उसके मजबूरी का लाभ उठाएं। अच्छे सच्चे मन से की गई सहायता आपको जन्म जन्मांतर के सुख का भागी बनाएंगी।
दोस्तों, सनातन धर्म में गाय का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गोदान को कई जन्मों और कई पीढ़ियों के लिए लाभकारी बताया गया है। कहा जाता है, यदि व्यक्ति को सुख, धन और संपत्ति चाहिए तो उसे गाय दान देना चाहिए। घी के दान का अत्यंत महत्व है। एक पात्र में गाय का घी रखकर जरूरतमंद को देने से परिवार में शुभ और मंगलकारी समाज प्राप्त होते हैं, साथ ही घर के सदस्यों की तरक्की भी होती है। दोस्तों, वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलताएं लेकर आता है। अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना लाभकारी होता है। आपके रुके काम बनने लगते हैं। हिंदू धर्म में अनाज के दान का भी बहुत महत्व होता है। अनाज के दान से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होती है। मान्यता है, यदि अनाज का दान संकल्प के साथ किया जाए तो मनचाहा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तिल के दान का काफ़ी महत्व बताया गया है, क्योंकि ऐसे मौके पड़ते हैं जिनमें तिल का दान किया जाता है। खासकर किसी के सर्द या फिर मृत्यु पर काले तिल का दान परेशानियों और विपदाओं से रक्षा करने वाला माना जाता है। सनातन धर्म में नमक का दान लाभकारी माना जाता है। इसके दान का महत्व श्राद्ध के समय काफ़ी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करना घर में चली आ रही कलह को ख़त्म करता है। इसके अलावा दरिद्रता को दूर करके घर में धन आगमन के रास्ते खोल देता है। गुड़ के दान से सुख में बढ़ोतरी होती है। पुराणों में भी लिखा है, और यह बात हम अपने घरों में बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते आए हैं कि हमें अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी खर्च करना चाहिए। ऐसा करके ना सिर्फ अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों का पुण्य प्राप्त करते हैं, बल्कि परलोक में भी अपने लिए बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं। आपको क्या वस्तुएं दान करनी है, इस बारे में कई बार हमें पता नहीं होता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सप्ताह के 7 दिन में आपको हर अलग अलग दिन क्या क्या दान करनी चाहिए। सबसे पहले है कि सोमवार के दिन क्या दान करना है। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा के संबंधित माना जाता है। इस दिन सफेद वस्तुओं को दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन आप चाहे तो चावल, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प व मिश्री नारियल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी की विशेष कृपा के साथ आपको चंद्रमा भी मजबूत होता है। मंगलवार का दिन, मंगलवार को दान करना बेहद ही फलदायक होता है। मंगलवार को लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के बर्तनों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार को दान करने से जहां आपका मंगल मजबूत होता है, वहीं संकट मोचन बजरंगबली की कृपा और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बुधवार का दिन, बुधवार को दान करना हम सबके करियर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को इस दिन हरी मूंग, हरे रंग के वस्त्र या फिर सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां दान कर सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार को किया गया दान हमारे सम्मान की रक्षा करता है, और दान करना हमें समाज में सम्मान के साथ ही धन, वैभव और यश की प्राप्ति करवाता है। बृहस्पतिवार पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, तो इस दिन पीली वस्तुओं का दान सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन आपको पीले वस्त्र, पीले अनाज, गुड़ और स्वर्ण का दान करना चाहिए। शुक्रवार का दिन जो होता है, शुक्रवार का दान आपको शुक्र ग्रह की शुभता प्रदान करता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन आप केसर और चावल की खीर बनाकर जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप सफेद वस्तुओं का दान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही शुक्रवार को नमक का दान भी विशेष पुण्यदायी होता है। शनिवार का दान, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि देव के रोज दान करने से आपके ऊपर से शनि देव के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। शनिवार को उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले वस्त्रों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन दान पुण्य करने के लिहाज से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। रविवार का दिन,
रविवार का दान सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव हम सबकी कुंडली में मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। रविवार को हमें ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो लाल या फिर केसरिया रंग के हो। रविवार को लाल फूल, नारंगी वस्त्र और लाल रंग के फलों का दान करने से आपके सम्मान की रक्षा होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।